देखना भाई सारे के सारे कितने आराम से मिल रहे हैं। इसा भाई रॉक्सी के पप्पीज के साथ मिलवाऊंगे, सारे के सारे मिल कैसे पीटने वाले। सुबह से पप्पीज दो अपने में लगे पड़े, अकेला रह गया जिंदा, बाकी सारे के सारे मर गए। डरने लग रहा था मैं, चलेगा अंदर फेंक दिया इक्के, देखता हूँ भाई लेगा वेगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिक डॉग चैनल। देखना भाई कैसा लोट लगा रहे, रेड किंग हमारा ये लेट रहा बाहर। और गाइस रेड किंग लेट नहीं रहा, खड़ा हो रहा, क्योंकि भाई चिंटू अंदर जा रहा ना, चिंटू को बिल्कुल मरने मारने पूछ रहा है। एक बार हाथ में आ जाए तो। और गाइस अकेले का लैब्राडोर का पप्पी देखना भाई कितना ज्यादा क्यूट सा है। मेरे नाम का है क्या? ले ले अजी, हाँ पक्की बात है, देख लिए। कोको को दे दे फिलहाल तो, कोको परेशान हो रही देखने को। आ गया भाई अंदर से रोक भी आ गया, सारे के सारे आ गए, नू देख रहे क्या चीज है, छोटा पैकेट भी देख रहा। रोक्सी तू भी देख ले। नहीं वैसे तो भाई रोक्सी अटैक वटैक नहीं करती, रोक्सी बस घूरे घूरे। देखना भाई सारे के सारे कितने आराम से मिल रहे, बस भाई चिंटू रह गया, बाकी सारे के सारे आ गए। जा लिया भाई धीरे धीरे करके रेड किंग के पास भी जा लिया। और गाइस रेड किंग का भी मन कर रहा खेलने को पप्पी के साथ, देखना भाई कैसे पूछ ला रहा, बट भाई रोक हो गया इसलिए बाहर नहीं निकाल सकता, समझ रहे हो। देखना भाई कितना ज्यादा क्यूट लग रहा, इसे भाई रोक्सी के पप्पी के साथ मिलवाऊंगे। गोदम उठाते ही इन सबको देखो कैसा कर रहे, हाँ नीचे छोड़ दूं, सभी का खेलने का मन कर रहा ना, रोक ले। रहा नहीं जाता, खेलो सारे के सारे। ओए ओए पैर पर पैर रख दिया, ओए छोटा सा है वो, रोकने से पैर पर पैर रख दिया था। कोको पहले छोटे पप्पी के ऊपर एग्रेशन कर रही थी, बट भाई अब बिल्कुल रोक के जैसी होगी। तो गाइस अभी से लैब्राडोर के पप्पी को छोड़ के एकदम से जाना पड़ रहा। जो भाई मैंने रात फीमेल दिखाई थी ना पिटबुल की, जिसने भाई बच्चे दिए थे, उसके भाई सारे सारे पप्पी की डेथ होगी रात। अब भाई सुबह सुबह एक और पप्पी हुआ, चल कर देखता हूँ भाई, वो थोड़े थोड़े सांस ले रहा खींच खींच के। यो भाई तेना रोक के साथ मस्ती कर लगा, भाई रोकू खेल ले इसके साथ। बट भाई मेरा एक मन कर रहा इसे रोक्सी के पप्पी के पास छोड़ता हूँ, क्योंकि भाई जो छोटा पैकेट है ना यो परेशान कर देगा ऐसा, रोक तो कुछ कहने का नहीं, बट भाई छोटा पैकेट इसकी रेल बना दगा। बात तो सही है। तो गाइस अभी पप्पी को नीचे लेकर आया था, और गाइस बाहर देखो लूसी आ रही, बट भाई वो छोटा पैकेट ज्यादा एग्रेशन कर रहा है ओए, बिल्कुल चुप। और गाइस मुझे लग रहा है ये सारे के सारे मिल के पीटने वाले। ईशा भाई बाहर ही निकाल लिया, वरना कोई सा ना कोई सा रेल बना दगा इसकी। अब भाई एक बार पिटबुल की फीमेल के पास चलता हूं, ध्यान रखियो इसका, ठीक है, इसका नहीं इसका ध्यान रखियो, अंदर से रोक्सी वो ना जा कोको। तो गाइस इस वाले पप्पी की भी डेथ होगी, और गाइस शायद एक और पप्पी आने वाला। अब तक भाई टोटल 9 पप्पी हो गए, बट भाई 9 के 9 की डेथ होगी, बस एक को छोड़ गए, बस भाई अकेला रह गया जिंदा, बाकी सारे के सारे मर गए। वो आ गया भाई बाहर निकल गए, इसे भाई इसके नीचे कर रखा था ना, देख लो घिसरता घिसरता बिल्कुल बाहर ही आ गया। चलो भाई तो शुक्र है कि एक पप्पी बच गया। वैसे भाई ये वाला पप्पी तो बिल्कुल एक्टिव है, देखना भाई कितना ज्यादा क्यूट सा है, व्हाइट फेस का। लव इसको देखो कहाँ पर जा लिया हुक्का पीने के लिए, पीला पीला हम ना कुछ भी कह रहे पीला, खाइए मम्मी कसम पीता नहीं मैं। अच्छा बताऊं तेरी मम्मी को, नहीं कट नहीं होने क्या, बांग सुल्पा गंजा सब पी है तेरी गल बैठ के। नहीं सब दुखी होने का क्या फायदा, सारे के सारे पप्पी की डेथ होगी, सारों की तो हुई नहीं, ये क्यों रहेगा। बस भाई अभी इसी की खुशी मनाते हैं कि कम से कम एक पप्पी जिंदा रहेगा। चल ठीक है निक्की बाय बाय। तो गाइस मैं भी घर पर चलता हूँ, अब भाई इन सबको बाहर निकालता हूँ, अंदर से चिल्लाए जा रहे। और गाइस लैबरा वाला पप्पी जा लिया, उससे भाई शाम के टाइम मिलवाऊंगा अगर लेकर आया आपकी। कोको धूप में क्यों लेट रही, बाहर देखो कौन खड़ा, चिंटू का भाई खड़ा, इसके साथ रोक की दुश्मनी भी है, अभी तक रोक को पता नहीं चला, रोक्सी को तो दिख गया। रोक्सी अपनी गैंग के साथ हमला करती, देखना भाई पूरी गैंग को लेकर घूम रही। ये बैठी अपनी सामने जूली, और गाइस जूली की कंडीशन देखो दिन पर दिन बिल्कुल ठीक होती जा रही। अब तो भाई इसका लुक भी पिटबुल वाला लगने लगा, वरना भाई पहले तो वैसे ही लगे थी। तो गाइस जूली को यहाँ पर बांध दिया, धूप आ रही थी ना लिखे लगी। और भाई जूली ठीक है तू, फिर से उस पिटबुल की फीमेल के पास चलता हूँ। अभी अभी मेरे पास कॉल आई, उसने भाई एक और बच्चा दे दिया, ये देख लो भाई दोपहर हो रही, और गाइस कल शाम से लग रही बच्चे देना, क्या फायदा सारे के सारे पप्पी की डेथ होने लग रही है। भाई 11वां पप्पी है टोटल, भाई 10 पप्पी दे दिया अब से पहले, चल के भाई देखता हूँ क्या पता ये वाला पप्पी बच जाए, इसकी भाई थोड़ी बहुत मालिश वगैरह करेंगे चल के। तो गाइस यहाँ आने का कुछ फायदा नहीं हुआ, इस वाले पप्पी की भाई डेथ हो रही, मेल पप्पी था ये वाला, आधे मेल थे आधे फीमेल थी, बट भाई क्या कर सके। अब सुबह से पप्पी दाबने में लगे पड़े, क्योंकि भाई सारे के सारे पप्पी की डेथ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सुबह से पप्पी ही पप्पी दाब रहे। तो गाइस आके घर पे, अब भाई एक बार नहा लूं, फिर भाई से 10 शाम के टाइम मिलूंगा। A few inches later. तो गाइस अभी नहा दूंगा ऑल सेट, और गाइस रेड किंग को खुला छोड़ दिया, सीधा भाग गया उस साइड गया। और गाइस यहाँ पर पानी और अनाज के दाने रख रखे इनके नाम के, एक तो ये रहा व्हाइट पिजन, और गाइस एक और यहीं कोई कहीं को घूमता रहे, ये दोनों के दोनों व्हाइट पिजन मेरे घर पे रहे आस पास ही, मतलब दोनों के दोनों दिखने में व्हाइट है, बट भाई वैसे जंगली है, जंगलियों की तरह ही रहे। रेड किंग हमेशा की तरह बेचैन होकर घूम रहा, एक बार इस साइड जावे एक बार ऊपर चला जा, छोटा पैकेट इसे बार बार देखता रह जा, क्योंकि भाई रेड किंग तो जंप लगा ले, बट भाई इस पर लगा ही नहीं जाती। जा लिया भाई उस साइड जा लिया। रेड किंग क्या दिख गया? तो गाइस अब रेड किंग को करता हूँ केज के अंदर, और गाइस रोकू देखना गेट में बैठा, रोकू आजा ऊपर आजा, बेचारा परेशान हो रहा था नीचे, रहा नहीं जाता। रोको मैं कुछ दिनों से खेत में नहीं ले जा रहा, क्योंकि भाई तो इसके पैरों में दिक्कत आ रही, पता नहीं भाई क्या हो गया दोबारा से, कभी कभी रोक के पैर कट जा पिछले वाले, इसके भाई दिक्कत आ रही ना पैरों में। रोकू तो दो दिन और रुक जा बस, ठीक है। एक दो कमेंट भी आ रहे थे कि रोको आप खेत में नहीं लेकर जा रहे, इसका ध्यान नहीं रख रहे, भाई इसका ध्यान रख रहा जब इसे खेत में नहीं लेकर जा रहा, समझ रहे हो, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से ठीक हुआ था, मैं नहीं चाहता दोबारा से इसके पैरों में दिक्कत आ जा। तो गाइस अभी अक्की भी आ गया विदाउट पप्पी, कहाँ है तेरा पप्पी वो सुधा वाला, लता नहीं सर सोलह खड़ा हो तो ठाक लिया, अरे बेचारा सो लेंडो से। यो भाई मजे मजे में ले तो आया, बट भाई अब परेशान हो रहा, हाँ भाई क्या दिक्कत आ गई, भाई सेल के नाम का है वो। तो गाइस अक्की वाला पप्पी सेल के लिए आया, अगर भाई किसी को लेना हो तो गाइस ले लेना, कहीं से पतंग टूट का आ गई, हाँ भाई पतंग उड़ाते हैं, बट भाई को पकड़ना पड़ेगा, वरना भाई मेरी पतंग की बैंड बजा देगी खत्म। छोड़ दे
तो गाइस ये रही अपनी पतंग, और गाइस हमारी पतंग के पीछे से एक और लग रही पतंग, देखते हैं भाई किसकी कट है। तो गाइस बहुत ही नजदीकी मामला था, बट वो भाग गया डर के। राजा गगू पतंग पकड़ोगे? आ लिया थोड़ी देर में, आ लिया। दो चार पतंग काट दूं तूने या फिर कटवा लूं? तो भाई राइडिंग को लेकर चलते हैं। और गाइस रोको देखो इसी के पास बैठा, रोको आ चलेंगे जल्दी आओ मारो। अरे नीचे ना, नीचे ना। तो गाइस आ गए रेड किंग को लेकर नीचे, और गाइस नीचे बच्चा है मिलने के लिए। हेलो कर दो सारे सारे, रेड किंग का हाथ और लगा लो। अच्छा एक यहाँ भी है, आ जाओ भाई आ जाओ, सारे लाइन में आ जाओ, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ अंदर। रेड किंग का कौन सा हाथ लगाओगा? अच्छा लगाइयो, डर नहीं लग रहा था मस्त है, लग नहीं रहा? नहीं आओ चलो सारे बाहर, चलो आओ बाहर। हमारा चिंटू लेट रहा था, बट भाई रेड किंग को देखते ही तुरंत भाग गया। साले को बम से उड़ा दूंगा। बच्चे देखो आज कितने सारे आ गए, यहाँ से वहाँ तक लाइन लग रही। वाह तो कोर छोटे पैकेट को देखो कैसे बैठे बिल्कुल बीच गेट में। सिम्बा तो बिल्कुल ही बाहर बैठा, सिम्बा चल अंदर चल। तो गाइस आगे रेड किंग को लेकर खेत में, हाँ भाई इसकी रनिंग करवाते हैं। चलो भाई रेड किंग जीते, तो गाइस चलाते हैं रेड किंग की रनिंग करवा के। और गाइस देख लो बुलेट से भी आगे भागा जा रहा, स्टार्टिंग में थोड़ा आराम आराम से लेकर चल रहे, फिर भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे। तो गाइस राइड किंग की रनिंग करवाते करवाते अपने 12 आ गए, एक चक्कर लगवा देता। और गाइस अमरूद के पेड़ पे मोटे मोटे अमरूद दिख रहे पके पके, बट भाई ना खाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा क्योंकि भाई एक दिन मैं कीड़ा खा गया था। और गाइस यही वाला पेड़ था जिस दिन भाई मैं कीड़े वाला अमरूद खा गया था, उस दिन के बाद भाई ऐसा डर बैठ रहा अमरूद देख के भी डर लगन लगा। और एक ऐसा देख लो दूसरे कीड़े को अमरूद के ऊपर चढ़ रहा, मैंने खाता क्या हो गया अमरूद मार रहा तेरा, क्यों मार रहा तेरा अमरूद? साले यार बढ़िया बात नहीं, तुझका अमरूद मार रहा यार, अमरूद मारा लग रहा देख यार तेरा ऊपर तो। तो गाइस अब थोड़ी बहुत देर रेड किंग के साथ खेलता हूँ, इसमें भाई कपड़ा बांध लिया, ओए पकड़ ली भी लिया, रुक जा रुक जा रुक जा, दो मिनट तो रुक जा। अरे अरे लगा ली छोड़ना तो ग्रिप ही लगा ली, रेड किंग कपड़ा छोड़ दे एक बार, इसने तो भाई ग्रिप लगा ली। इसमें गाइस अब थोड़ी बहुत देर रेड किंग के साथ खेलता हूँ, और गाइस एक्सरसाइज भी हो जाएगी इसकी। चल रेड किंग चल, जंप लगा कर दिखा दे कैडी कैडी, चल रेड किंग। और गाइस आज रेड किंग की थोड़ी देर में ग्रिप लगवाऊंगा, पहले तो भाई से कपड़े के पीछे पागल करता हूँ, मतलब इसके आगे पीछे घुमाता हूँ, फिर भाई से कपड़े में ग्रिप लगवा दूं। ओए लगा ली, और गाइस एकदम से लगा ली, तोड़ दिया खत्म। तो गाइस अब एक काम करता हूँ, इस कपड़े को कहीं को फेंकूंगा, फिर देखता हूँ भाई रेड किंग लेगा वेगा। रेड किंग ले ले ले, रेड किंग ले ले, जा लेगा अंदर, फेंक दिया इक्के, देखता हूँ भाई लेगा वेगा, आज भाई पता चल जाएगा एबीपीटी के अंदर स्मेल पावर कितनी तकड़ी हो गए। रेड किंग लेके आना, अभी तक तो भाई लगा पड़ा ढूंढ रहा होगा कुछ, भाई मैंने ज्यादा ही अंदर फेंक दिया। अरे अरे खाली हाथ आ गया, गजब बेइज्जती है, जा लेकर आ जल्दी, जा लिया भाई फिर से। रेड किंग लेकर आई इस बार, बेइज्जती हो जाएगी, देखते हैं भाई लेकर आया क्या। अरे खाली हाथ आ गया, आया नहीं अभी तक तो लगा ही पड़ा। रेड किंग जल्दी लेगा, इतना टाइम नहीं है, जल्दी लेगा, रुको जरा। रेड किंग ज्यादा टाइम नहीं है, आ गया भाई, आ गया लेकर आ गया। अरे वाह बेटा। तो गाइस डंडी के साथ तो बहुत होगी, अब भाई किसी कपड़े पर लगवाता हूँ इसकी। ए भाई यहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े, इनमें से किसी एक पर लगवाता हूँ। और गाइस रेड किंग को पहले बांध लिया, बांध कर लगवाऊंगे। चल रेड किंग लगा। अरे अरे यो क्या हुआ इसे भाई, एकदम से खड़का सुना ना गेट में से हट गया तुरंत। चल रेड किंग, अरे अरे फिर से खड़का हुआ हट गया। तो गाइस लगा ली रेड किंग, लग रही अब भाई थोड़ी बहुत देर लगवाता हूँ इसकी। चल चल, और गाइस उसमें से खड़का हो रहा ना तुरंत हट जावे। तो गाइस अभी रेड किंग को छपकली का बच्चा दिख गया, छपकली के बच्चे के ऊपर एग्रेशन कर रहा यो भाई, एग्रेशन करने के चक्कर में खा ना ले, छपकली के अंदर जहर हो गए। इसे भाई लेकर चलता हूँ, रेड किंग नहीं रहने दे, छपकली को मारा गए। और गाइस अब रेड किंग की रनिंग करवाते करवाते सीधे घर पर लेकर चलेंगे। तो गाइस आगे रेड किंग को लेकर घर पे, और गाइस रेड किंग का सारा ध्यान चिंटू के ऊपर है, सामने चिंटू है ना। घर आते बहुत कड़ा सीन हो गया था, पहले भाई एक बार रेड किंग को बंद करता हूँ। कोको की और गाइस रोक्सी की बहुत कड़ी फाइट हो गई थी, अब भाई एक बार रोक्सी को चेक करता हूँ, इसका दांत वांत तो नहीं लगे। और गाइस कोको ने ग्रिप लगा ली थी इसके, फिर भाई कोको को जैसे मैंने हटाया, फिर भाई सिम्बा की और गाइस रोक्सी की बच गई। और गाइस सिम्बा इतना खतरनाक है, आज भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा सिम्बा को लड़ते हुए। मेरी हालत देख लो कैसी होगी ना छुड़वाने के चक्कर में, क्योंकि भाई एक तो हम रेड किंग को पकड़ रहे थे, अंदर भाई चिंटू और था, रेड किंग को खुला छोड़ नहीं सके थे, फिर भाई इन दोनों की फाइट भी हटवानी थी, बहुत मुश्किल से हटवाए भाई। बट भाई ये है कि थोड़ी बहुत देर में फिर से दोस्त बन जाएंगे, देख लो भाई दोनों दोनों पास ही बैठे, बट भाई एग्रेशन नहीं कर रहे, दांत वांत तो नहीं लग रहे कहीं को, हल्के से स्क्रैच से लग रहे। वैसे तो भाई मुझे ऐसा लग रहा कोको ने इसके पट्टे में ग्रिप लगा रखी थी, जैसे ही कोको रोक्सी की फाइट हटी पीछे से भाई सिम्बा आया, सिम्बा ने रोक्सी गर्दन पकड़ के बहुत बुरी तरह से झटके मार दिए, रोक्सी बेचारी एक बार नीचे पड़े एक बार ऊपर पड़े। आज रोक्सी फर्स्ट टाइम किसी पे पिटी इसीलिए इतनी आराम से बैठ रही, वरना भाई इतनी आराम से बैठने वाली नहीं आया। बट भाई चलो कोई नहीं, आपस में तो बजती रहने की, थोड़ी बहुत देर में फिर से दोस्त बन जाएंगे। और गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग भी यही करता हूं, हालत खराब होगी इनकी फाइट हटवाने के चक्कर में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें।